आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हैवी स्क्वाट कैसे किया जाता है। उसके लिए मेरे को पहुंचना होगा जिम और मैं बैग से निकालने वाला हूँ शूज, नी स्ट्रैप्स, बेल्ट और मैं होने वाला हूँ रेडी। थोड़ा टाइम रेडी होने के बाद मैं जाके बैठूंगा और म्यूजिक सिलेक्शन करूंगा। मोटिवेशन के लिए म्यूजिक चाहिए और इसके बाद मैं करूंगा स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बाद मैं करने वाला हूँ वार्म अप के लिए मैं वन लेग स्क्वाट करने के बाद फ्री स्क्वाट करने के बाद मैं लूँगा स्क्वाट रैक सेट करूंगा। स्क्वाट रैक सेट करने के बाद 10-10 kg का प्लेट लगाऊंगा। 10-10 kg से मैं वार्म अप सेट, उसके बाद मैं लूँगा 20 kg, ओके 20-20 kg से मेरा प्रिपरेशन सेट, उसके बाद मैं लूँगा फर्स्ट सेट के लिए 20 kg प्लस 10 kg, ओके 30-30 kg और विथड्रॉल, ओके ये मेरा रहेगा 12 repetition। और ये 12 repetition होने के बाद मैं हो गया हूँ वार्म अप। उसके बाद मैंने निकाल दिया जैकेट, थोड़ा पसीना निकल गया है और आपको वाटर भी ज़रूरी है और थोड़ा ले लूँगा वाटर। उसके बाद मैं लगाने वाला हूँ 20 kg का प्लेट और 20 kg का प्लेट हो गया 80 kg विथड्रॉल 100 kg, ये मेरा सेकेंड सेट रहेगा, ओके। उसके बाद आपको प्रिपरेशन लेना है, थोड़ा मोटिवेट होना है, ओके, और आपको नी स्ट्रैप्स बांधना है, उसके बाद आपको बेल्ट बांधना है, ओके, और टाइट रखना है, चेस्ट अप रखना है और ट्रैप्स पे आपको बाहर लेना है और लिफ्ट करना है। और ये मेरा रहेगा 10 repetition सेल्फ, ओके। उसके बाद मेरा थर्ड रेपिटेशन रहेगा, थर्ड रेपिटेशन में लगाने वाला हूँ 10 का प्लेट, 10-10 प्लेट हो गया, ऑलमोस्ट लगभग 100 kg विद रॉड, तो बार का रहेगा 20 kg, 120 kg, ये रहेगा मेरा 8 repetition।